मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 24 मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो इसमें मैंने पढ़ाया था मानव के हार्ट की बाह्य संरचना। क्या पढ़ाया था इसमें? बाह्य संरचना पढ़ाई थी। आज हम आपको आंतरिक संरचना पढ़ाएंगे। आज हमें आंतरिक संरचना पढ़ानी है, यानी आज आपको आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। बाह्य संरचना मैंने पहले पढ़ाती थी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ ह्यूमन। तो आपके सामने मैंने पिछले वीडियो में बाह्य संरचना पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि मनुष्य का जो हार्ट है वो पेशियां है, बंद मुट्ठी के समान होता है, वजन 250 से 300 ग्राम होता है, हार्ट कार्डियक पेशियों से बना होता है, इसके अंदर तीन स्तर पाए जाते हैं जिन्हें हम एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम हार्ट का सबसे बाहरी स्तर होता है जो स्वयंचालक से बना होता है। मध्य जो स्तर होता है मायोकार्डियम कहलाता है, जो मोटा और वर्तुल कैसी स्तर से बना होता है। आंतरिक जो स्तर होता है उस स्तर को हम एंडोकार्डियम कहते हैं, जो अंतःउपकला से बना होता है। इसके बाद मैंने बताया था कि हार्ट के ऊपर एक विशेष आवरण पाया जाता है। हार्ट के ऊपर एक विशेष आवरण पाया जाता है, उस आवरण को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम में एक द्रव भरा रहता है जिसे हम पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ये जो द्रव होता है ये मनुष्य को झटकों या आंतरिक विक्षोभों से बचाता है, आंतरिक विक्षोभ या झटकों या घर्षणों से बचाने का कार्य करता है। ये हमने पढ़ाया था, आज आप पढ़ेंगे हम आंतरिक संरचना, हार्ट की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। पिछला डायग्राम दिखाया था हमने, ये आंतरिक संरचना का डायग्राम है आपके सामने। इस प्रकार से ये महाधमनियां हैं, इस प्रकार से दाई और बाई, ये ऐसे करेंगे इनको, फिर इस टाइम में आपके सामने बनी हुई है, नीचे की साइड में रहेंगे ऐसे, यहां पर बाई साइड है ये। तो देखिए ये धमनी है, ये सिरा है, आर्टरी और वेन ऐसे इधर है, धमनी है, सिरा है, ये कौन सी साइड है? बाई। बाई धमनी में सिरा, दाई धमनी में सिरा, ठीक है। फिर इसके अंदर नीचे की साइड में देखिए चार कोष्ठ है, इसके इस प्रकार से इधर भी है। तो इनको तो हमने बोला है दयालिंग, दया आलिंग, नीचे की साइड में दयानीले, नीचे जो है उसे हम दयानीले बोलेंगे। बाई साइड में यहां पर है बायालिंग, आंतरिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम बाया आलिंग, और नीचे की साइड में जो आपके सामने है उसे हम बोलेंगे बाया निले। क्या बोलेंगे इसको हम? बाया निले बोलेंगे। नीचे की साइड में आपको निम्न महाशिरा दिखाई देगी, इस प्रकार से इधर भी है, दोनों साइड में है, इनको बोलते हैं निम्न महाशिरा, निम्न महाशिरा, सिराएं। बीच में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इसको हम कोरोनरी सल्कस बोलते हैं, कोरोनरी
महाधन ने। इसके बाद में देखिए यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है इधर मेट्रल कपाट, मेट्रल कपाट है इधर जो आपके सामने है, यह है त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट। ये जो दिखाई दे रहे नीले है रज्जु, ये आपके सामने है बाई महाशिरा उपशिरा, इधर जो आपके सामने है वो है सारवे अधो जत्रुक। तो ये देखो आपके सामने इंटरनल स्ट्रक्चर तैयार हो गई है। तो इसमें देखिए हमें इंटरनल एंड घनी बातों को बताना है। जैसे सबसे पहले हम संरचना पढ़ते हैं, मानव का जो हार्ट होता है वो एक पेशी अंग होता है और पंप के रूप में कार्य करता है। इसमें चार पोस्ट पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, चार पोस्ट पाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहे हैं, द्वारिंद और दो नील है, द्वारिंद है और दो नील है, ऐसे इस टाइप से है जैसा कि दिखाई दे रहा आपको क्लियर। ऊपर जो ऊपर स्थित होते हैं उन्हें हम आलिंद कहते हैं, दाया एरिकल यानी राइट एरिकल दयालिंग और इधर है लेफ्ट एरिकल यानी बायां आलिंग। नीचे की साइड में है राइट वेंट्रिकल दयानिल और इधर है बायां नील। इसके बाद में देखिए आपके सामने दयानिल आलिंद और दयानिल के बीच में जो पट पाया जाता है, ये पट है यहां, इस पट को हम बोलते हैं अंतर आलिंद पट। क्या बोले इसको हम, अंतर आलिंद पट कहेंगे इसको। दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो पट पाया जाता है उस पट को हम अंतर आलिंद पट कहते हैं। इसी प्रकार से इधर देखिए बाया आलिंद और बाया नीले के बीच में भी एक पट पाया जाता है जिसको हम अंतर नीले पट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंतर नीले पट कहते हैं। दोनों बीच में देखिए दयालिंग है दयानील है, इनके बीच में जो पट है उसे हम अंतरालिंग पट कहते हैं। इसी प्रकार से बायालिंग और बायानील के बीच में जो पट पाया जाता है उसे हम अंतरनील पट कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए दयालिंग और बायालिंग के बीच में एक पट और पाया जाता है, इस पट को हम बोलते हैं दाया बाया आलिंद पट। क्या बोलते हैं इसको हम, दाया बाया आलिंद पट कहते हैं इसको। इसी प्रकार से नीचे की साइड में देखें तो दाया नीले दाया सॉरी बाया नीले के बीच में जो पट पाया जाता है उसको हम दाया बाया नीले पट कहते हैं। ये जो यहां का जो रुधिर होता है वो निम्न महाशिरा उद्र महाशिरा के द्वारा ऊपर आलिंद में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार से यहां पर और देखिए चित्र के अंदर यानी बाया आलिंद और बाया नीले के बीच में एक कपाट या वाल पाया जाता है जिसको हम मेट्रल कपाट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मेट्रल कपाट। मेट्रल कपाट को हम द्विवलन कपाट भी बोलते हैं, द्विवलन कपाट यानी बाई कैस्केड वाल्व, इसको हम बाई कैस्केड वाल्व कहते हैं। इसी प्रकार से दाया आलिंद और दाया नली के बीच में भी विशेष
विशेष प्रकार के पट पाए जाते हैं जिन्हें हम त्रिवलत कपाट बोलते हैं, ट्राई कैस्पिड वाल। क्या बोलते हैं इनको? ट्राई कैस्पिड वाल बोलते हैं। इसके बाद में देखिए, दोनों दाएं आलिंद और दाएं मिले बाएं आलिंद बाएं मिले को पृथक करने के लिए महादंडी के ठीक नीचे से एक लंबी रेखा या संरचना निकलती है जिसको हम कोरोनरी सल्कस, क्या बोलते हैं इसको? कोरोनरी सल्कस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करती है? दोनों आलिंद निलय और बाएं निलय आलिंद को पृथक करने का काम करती है। ये फिर निलय की जो दीवार है हार्ट की उसमें प्रवेश कर जाती है इस प्रकार से। तो हमने पट्टे कपाट वाल क्या होते हैं उनके बारे में इसमें पढ़ा है हार्ट की संरचना में, के चार पोस्ट होते हैं, चार पोस्ट अलग अलग होते हैं कोरोनरी सल्कस के द्वारा। फिर इसके साइड में हमने पढ़ा कि बाहर के ऊपर की तरफ एक जो धमनी होती है उसे महाधमनी कहते हैं। तो इस प्रकार से माना कि हार्ट की आंतरिक संरचना होती है, इसको आप पढ़ लेंगे याद कर लेंगे इसको। तो मैंने आज इंटरनल और एक्सटर्नल संरचना पढ़ाई हार्ट की, आपको याद हो गया होगा। अगला जो अपना टॉपिक है वो देखिए कौन सा टॉपिक है, धमनिकाएं। धमनिकाएं जो होती है आपके सामने, इनमें शुद्ध रुधिर बहता है और शिराएं होती है इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन अपवाद है उपस्य, उपस्य जो महाशिरा होती है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। इधर आपके सामने देखिए, इन्हीं शुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है, ऑक्सीजन रुधिर बहता है, डीऑक्सीजन रुधिर बहता है। धमनिकाओं में कपाट नहीं पाए जाते हैं, यानी कपाट या वाल होते हैं उनका इसमें अभाव होता है, ये नहीं पाए जाते हैं। धमनियों के अंदर जो रुधिर बहाव होता है, रुधिर बहाव तेजी से होता है, कैसे होता है? रुधिर बहाव तेजी से होता है, जबकि शिरा या सिरिकाओं में रुधिर बहाव धीमी गति से होता है, स्पीड कम होती है, इधर स्पीड अधिक होती है। इसके बाद में जो धमनियां हैं, धमनियों में वायु दाब अधिक होता है, सॉरी रुधिर दाब अधिक होता है, इनमें रुधिर दाब कम होता है। तो इस प्रकार से धमनिकाएं सिरिकाएं क्या होती है परीक्षा में आपसे धमनियों से सिरा में अंतर पूछ सकते हैं। तो आप बताना, धमनी से निकलने वाली पतली कोशिकाओं को धमनिकाएं कहते हैं, सिरा से निकलने वाली पतली कोशिकाओं को सिरिकाएं वेनोस कहते हैं। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, महाधमनी इसका
सिरा में शुक्रदिल रहता है, अपवाद रूप से माजरा में शुक्रदिल रहता है। ध्वनि में कपाट नहीं पाए जाते हैं, सिरा में कपाट या वाल पाए जाते हैं। ध्वनि में रुधिर का बहाव तेजी से होता है, सिरा में रुधिर का बहाव धीमी गति से होता है। इसमें रुधिर दाब अधिक होता है, इसमें रुधिर दाब कम होता है। इसके बाद में इन दोनों कोशिकाओं के अलावा एक अलग कोशिका होती है, उसको हम केशिकाएं कहते हैं। इनकी दीवार पतली होती है, इनका व्यास कम होता है, यानी व्यास की बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर इनका व्यास होता है। तो ये आपके सामने हमने धमनिकाएं और सिलिकाएं क्या होती है, केशिकाएं क्या है, धमनी और सिरा में क्या अंतर है, वो हमने पढ़ा है यहाँ पर। तो ये याद कीजिए आप, धमनी और सिरा में क्या अंतर है। ये कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि धमनी और सिरा में कोई चार अंतर लिखिए। कल मैंने आपको बताया था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में चार अंतर लिखे। इसके बाद अपना जो टॉपिक है वो है रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। तो देखिए, रुधिर को हम बोलते हैं ब्लड, क्या बोलते हैं इसको हम ब्लड बोलते हैं। लसिका को हम लिम्फ कहते हैं, या आपके सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर 18 में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। तो आपका प्रश्न की रुधिर और लसिका में क्या अंतर बताइए। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर दोबारा बोलने को दोहरा रहा हूं। सबसे पहला है कि रुधिर लाल रंग का होता है। रुधिर कैसा होता है, रेड कलर, लाल रंग का होता है। लसिका जो होती है आपके सामने वो रंगहीन होती है, कोई भी रंग नहीं होता इसका, कलर ऐसा होती है रंगहीन। इसके बाद है रुधिर, रुधिर में हमने पढ़ा है कि रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तीसरा हमने पढ़ा है कि रुधिर क्या है, रुधिर एक तरल संयोजक है, इधर है लसिका छनित द्रव है। लसिका क्या है, एक छनित द्रव है। चौथा है लसिका में CO2 की मात्रा कम होती है, लसिका में CO2 की मात्रा अधिक होती है। रुधिर में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक पाया जाता है, जबकि लसिका में कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से मैंने रुधिर और लसिका के चार अंतर बताए थे कि रुधिर लाल रंग का होता है, लसिका या लिंग रंगीन होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसमें रुधिर एक रुधिर क्या है, रुधिर एक तरल संयोजक है, लसिका एक छनित द्रव होता है। इसके बाद में मैंने बताया कि रुधिर में CO2 की मात्रा कम होती है, इधर आपके सामने लसिका में CO2 की मात्रा, यानी इसमें तो रुधिर में तो CO2 की मात्रा कम होती है, लसिका में CO2 की मात्रा अधिक होती है। इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लसिका में कोई भी श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने ये रुधिर लसिका क्या अंतर है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर है, सिरा और धमनी में क्या अंतर है, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। इनको आप नोटबुक में उतार लेना और बार बार इनको पढ़ना। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण, यह है आपके सामने डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, दोहरा परिसंचरण। तो देखिए, दोहरा परिसंचरण क्या होता है कि जब रुधिर हार्ट में
अलग अलग रहता है, कभी भी हार्ट के अंदर मिलता नहीं है, अलग अलग रहता है। और इसके साथ जो आपने पढ़ा है कि पोस्ट होते हैं, प्रत्येक जो पोस्ट है उसमें अलग अलग प्रकार का वृद्धि आता है। जैसे अग्र महा लिंग शिराएं होती हैं, जो ऊपरी आलिंग होते हैं उनमें रुधिर डालती हैं, फिर वहां से रुधिर नीले भाग में आ जाता है। इस प्रकार से यानी कहने का मतलब है कि जब रुधिर हार्ट में से दो बार गुजरता है तो इसके लिए आपको हम दोहरा परिसंचरण